ग्रेट ओमेक सोसाइटी पर त्यागी समाज का धरना खत्म प्राधिकरण द्वारा गठित की गई टीम 48 घंटे में सर्वे कर सौंपेगी रिपोर्ट, तब सोसाइटी में होगी कार्रवाई। प्राधिकरण पुलिस ने धरने पर बैठे त्यागी समाज के लोगों को दिया आश्वासन। वहीं सोसाइटी वासियों ने कहा कि हम मिलकर अन्नू त्यागी का कराएंगे दोबारा ठीक, जो भी बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया उसको कराएंगे ठीक। मंगेराम त्यागी ने आश्वासन के बाद किया धरना खत्म। हम छोड़ेंगे बिल्डिंगों को और जिस दिन कोई गलती की हुई है हम सबका हटाएंगे, ये हमारी मेहनत का आदेश है। आज से हमारा सर्वे किया जा रहा है और मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारी मैम का जो आदेश है वो ऐसा नहीं है पक्षपात बिना भय के वो आदेश करती है, लेकिन ये महसूस होता है कि कभी हो जाता है, आप लोगों को महसूस हुआ होगा, लेकिन जो भी कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल नियमित सही, जो भी नियम जो भी बाई लॉज है बिल्डिंग के उसके अनुसार। और हमें 48 आवर्स का टाइम दिया मैम, आज से सर्वे शुरू होगा, हमारी टीम अभी अंदर जाएंगी और आज से सर्वे होगा 48 आवर्स का टाइम, हम सर्वे सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो भी नियम होंगे सभी के साथ की जाएगी बिना भय और पक्षपात। एक बार और कहना चाहूंगी आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हो गए कि मुझे घमंड तो नहीं कहूंगी लेकिन मुझे बहुत इस चीज का गर्व है कि मैं त्यागी समाज से पैदा हुआ। त्यागी समाज जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद। और दूसरा ग्रामीण समाज है, आज अगर मैं ग्रामीण समाज से ना होती तो शायद ये लोग मेरे साथ अत्याचार करते रहते और कहीं ना कहीं की सारी भूमिका मेरे समाज के बुजुर्गों ने, जवान लोगों ने, जवान लड़कों ने, सभी ने इतनी अच्छी तरह से निभाई कि जब मेरे साथ जो कुछ हुआ पुराने दिनों में जब कोई भी आगे आया तो मैं हिम्मत तो मेरी कभी नहीं टूटी थी, पर ये सोच रही थी कि लड़ाई मेरी अकेली थी, लेकिन जब सारा समाज मेरे साथ आया तो मुझे महसूस हुआ कि आज लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है, परेशानी मेरी अकेली की नहीं है, मेरे पूरे समाज की है और इस बात को मैं अपने मन से दम तक कभी नहीं भूलूंगी। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं ये चाहती थी कि जैसे इन लोगों ने मेरा, मेरे परिवार का और समाज के उन 10 बच्चों का सबके सामने उन्होंने बदतमीजी की, तो शायद कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ माफी सबके सामने बोलती, मेरे समाज के सामने कहती चलो उस चीज को भी मैं छोड़ देना चाहती हूँ, जैसा कि कहा है बाबू जी ने कि वैसे भी हमारे समाज में तो यही सिखाया जाता है कि अगर बड़े कोई फैसला लेते तो बच्चों को मान्य करना चाहिए, तो मैं उनसे ऊपर नहीं हो सकती, जैसा आप सब लोगों का फैसला है मैं उस फैसले के साथ टिकी हुई हूँ, रही हूँ और अंत तक रहूँगी। और बस मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैंने कह रही थी कि जैसे पता है आप लोगों को सुरक्षा फैली रहती है, डायरेक्टर की लड़ाई हमारी डॉक्टर मुकेश शर्मा से है, तो मेरे पति श्रीकांत त्यागी भी नहीं है और समाज के मेरे जो साथी मेरे बुजुर्ग सब एक साथ हैं, बार बार तो मैं आपको नहीं बुला पाऊंगी, कहीं बाबू जी भी मुझे कभी बोल दे रहे बेटा बैठा मेरे घर जा, मुझे कहीं जाना पड़ता है इधर उधर, तो मैं हर तरीके से इन लोगों ने मुझे तोड़ दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सुरक्षा मिले ताकि मैं कहीं जा सकूँ अपने लोगों के बीच में। और क्योंकि अब डायरेक्ट खतरा मेरे को डॉक्टर महेश शर्मा से, जो इंसान एक छोटी सी गलती के लिए मेरा घर भुनवा सकते हैं, पेट भुनवा सकते हैं, पूरी सोसाइटी को मेरे खिलाफ कर सकते हैं, तो वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया तक को भेज सकते हैं। अब इससे ऊपर और मैं कुछ नहीं कहूँगी, धन्यवाद कहूँगी। वो समाप्त कर दिया गया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ठीक ठाक ही मिल गया, कानून सम्मत कार्रवाई जा रहे थे वो अधिकारियों ने कह दिया, हम संतुष्ट रहेंगे। आगे की लड़ाई आपकी कैसे जारी रहेगी? अनु त्यागी घर बनवाएंगे क्या है? वो जो है ना यहाँ का अभी आए थे कुछ लोग यहाँ के, वो 30 के नहीं आगे कॉलोनी के, जब वो 30 ने उनके मकान को भी फिता रखा हो जा तो मैंने कहा लगे बोला जी मेरे से गलती होगी माफ कर दो, अगर सोने की ईंट चाहोगे तो वो भी लगवा देंगे श्रीकांत के मकान पर, बाकी होना मका भाई ना तो हमने थरे मकान तोड़ने की हमने इनसे मांग करी ना पेड़ मारने करी, हमारी तो एक मांग थी और जिन महिलाओं ने वो पेड़ उखड़े थे वे हमारी बहन, आज भी उनके लिए हमारे दिल में जगह है, गलती सलती किसी पर भी हो जा
अब भी हमने कहा कि अपनी एक समन्वय समिति बना लो, आप अन्नु को अपनी बहन समझो, अन्नु आपको अपना भाई समझेगी और अपना सही तरफ रहो। ये हमारी अधिकारियों से भी आपका अधिकारियों से कहा, अधिकारियों ने कहा कि अध्यक्ष जी हम कानून सम्मत काम करेंगे, आपने कानून की बात कही, कानून सम्मत काम उन्होंने कार्रवाई होगी और हमें काम कर लेना, जो कर लो भाई। तो फिलहाल आपका धरना यहाँ समाप्त होता है। जी जी।